YouTube क्रिएट एप्लीकेशन की मदद से वीडियोस और शॉर्ट वीडियोस सीधे अपने फोन पर ही एडिट किए जा सकते हैं, वह भी बड़ी ही आसानी से। आपके आइडियाज आसान हों या पेचीदा, उन्हें YouTube क्रिएट से बेहतरीन वीडियोस में तब्दील किया जा सकता है, वह भी बिना कोई शुल्क चुकाए। चलिए YouTube क्रिएट में प्रोजेक्ट्स बनाने और एडिट करने का तरीका जानते हैं। सबसे पहले YouTube क्रिएट खोलें और नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए प्लस बटन पर टैप करें। अब आपको अपने डिवाइस में मौजूद वीडियोस और फोटोज दिखेंगे। इन्हें सिलेक्ट करने के लिए गैलरी पर टैप करके कोई फोल्डर चुनें। किसी क्लिप को इंपोर्ट करने के लिए उस पर टैप करें। इसके बाद इंपोर्ट करें को चुनें। एडिटिंग शुरू करने से पहले प्रोजेक्ट का ओरिएंटेशन सेट करें। इसके लिए पहले 3-डॉट मेन्यू पर और फिर एस्पेक्ट रेशियो पर टैप करें। एडिटिंग के दौरान इसे कभी भी बदला जा सकता है। YouTube क्रिएट में वीडियोस को 16:9 और शॉर्ट वीडियोस को 9:16 में बनाया जा सकता है। आपका चुना गया फुटेज एडिटिंग टाइमलाइन में जुड़ जाएगा। यहाँ आपको वीडियो एडिट करने, नई क्लिप्स जोड़ने और एडिटिंग के बाद वीडियो की झलक देखने का भी विकल्प मिलता है। YouTube क्रिएट से आपको अपने फोन पर ही पूरा एडिटिंग टूलकिट मिल जाता है। क्लिप की ड्यूरेशन बदलने के लिए हैंडल्स को किसी भी साइड से ड्रैग करें। क्लिप्स को दो हिस्सों में बांटने के लिए कैंची वाले आइकॉन पर टैप करें। YouTube क्रिएट में आपको फिल्टर्स और इफेक्ट्स के साथ साथ विजुअल को बेहतर बनाने वाले टूल्स भी मिलेंगे। इतना ही नहीं, वीडियो की स्पीड बदलने वाला टूल भी मिलेगा। अगर क्लिप के बैकग्राउंड में ज्यादा शोर है तो ऑडियो क्लीनअप फीचर का इस्तेमाल करें। इससे क्लिप की ऑडियो क्वालिटी बेहतर हो जाती है। यहाँ आपको और भी टूल मिलते हैं, जैसे क्लिप को घुमाने, बदलने, मिटाने, नए सीक्वेंस में लगाने और क्लिप का डुप्लीकेट बनाने वाला टूल। क्लिप में ट्रांजिशंस जोड़ने के लिए उसके दाएं या बाईं ओर ट्रांजिशन आइकॉन ढूंढें। इस आइकॉन पर क्लिक करने से एक मेनू खुलता है। इसमें आपको अलग अलग तरह के ट्रांजिशंस मिलते हैं। टाइमलाइन में किसी भी समय दूसरी क्लिप्स जोड़ी जा सकती हैं। इसके लिए प्लस बटन पर टैप करें। चलिए अब प्रोजेक्ट में साउंड्स और वॉइस ओवर जोड़ने के बारे में बात करते हैं। म्यूजिक या साउंड इफेक्ट्स जोड़ने के लिए देख लें कि आपने पहले से कोई क्लिप न चुनी हो। अब साउंड पर टैप करें। इससे YouTube की ऑडियो लाइब्रेरी खुल जाएगी। यहां से अपने वीडियो या शॉर्ट वीडियो के लिए पूर्ण साउंड ट्रैक जोड़ें। इन ट्रैक्स के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। YouTube वीडियो में इनका इस्तेमाल करने पर कॉपीराइट की पाबंदी भी नहीं है। इन ट्रैक्स का इस्तेमाल करने से आपके वीडियो पर कोई कॉन्टेंट आईडी क्लेम नहीं आएगा, न ही वीडियो से कमाई करने की स्थिति पर कोई असर पड़ेगा। यहाँ अपने हिसाब से गाने और इफेक्ट्स खोजे जा सकते हैं। इस पेज पर आपको संगीत और साउंड इफेक्ट्स टैब दिखेगा। इन टैब्स पर जाकर अलग अलग ऑप्शंस देखें या जॉनर्स के हिसाब से फिल्टर किए जा सकते हैं। अगर आपने डिवाइस में कोई ऑडियो सेव किया हुआ है तो उसे आपका संगीत टैब में जाकर अपलोड किया जा सकता है। सिर्फ ऐसे म्यूजिक और साउंड्स का इस्तेमाल करें जिनके अधिकार आपके पास हैं। ऐसा न करने पर हो सकता है कि YouTube पर वीडियो अपलोड करने से उस पर कंटेंट आईडी क्लेम आ जाए। इसके अलावा चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक भी भेजी जा सकती है। यहाँ बीट ढूंढें फीचर भी मौजूद है। इससे आपको पता चलेगा कि ट्रैक की मेन बीट्स कौन कौन से हिस्से में हैं। इसमें आपको विजुअल्स के जरिए म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स के साथ क्लिप्स का परफेक्ट सिंक बनाने में मदद मिलेगी। आप चाहें तो प्रोजेक्ट के लिए वॉइस ओवर भी रिकॉर्ड करें। इसके लिए पक्का करें कि आपने कोई क्लिप न चुनी हो। अब वॉइस ओवर पर टैप करें। इसके बाद रिकॉर्ड करने का बटन दिखेगा। रिकॉर्डिंग शुरू करने के लिए इस बटन पर टैप करें। रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए बटन पर दोबारा टैप करें। रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद हो गया पर टैप करें। जोड़े गए साउंड्स, म्यूजिक और वॉइस ओवर्स आपको टाइमलाइन में फुटेज के नीचे दिखेंगे। ऑडियो क्लिप पर टैप करके उसके दाईं या बाईं ओर वाले हैंडल से उसकी ड्यूरेशन बदली जा सकती है। इसके अलावा क्लिप को स्प्लिट करने, उसका वॉल्यूम कम ज्यादा करने और फेड इन या फेड आउट इफेक्ट इस्तेमाल करने का भी विकल्प मौजूद है। आइए अब कुछ मजेदार फीचर्स के बारे में जानते हैं। ये आपके वीडियोस को इतने जबरदस्त और दिलचस्प बना देंगे कि ऑडियंस का दिल खुश हो जाएगा। YouTube क्रिएट में एक के ऊपर एक विजुअल लगाने या ओवरले जोड़ने का फीचर मिलता है। इससे क्लिप्स के ऊपर पिक्चर्स और वीडियोस जोड़े जा सकते हैं। यह फीचर इस्तेमाल करने के लिए ओवरले पर टैप करें। अब अपनी पसंद की क्लिप चुनें और इंपोर्ट करें पर टैप करें।
ओवरले से जोड़ा गया मीडिया पहले से इंपोर्ट की गई क्लिप्स के ऊपर वाली लेयर में दिखेगा। लेयर्स जिस सीक्वेंस में दिख रहे हैं वैसे ही वीडियो या शॉर्ट वीडियो में भी दिखेंगे। सीक्वेंस बदलने के लिए लेयर स्टैक पर टैप करें। इसके बाद वह एलिमेंट चुनकर ड्रैग करें जिसे मूव करना है। प्रोजेक्ट की प्रीव्यू स्क्रीन पर मीडिया को पिंच करके उसका साइज बदला जा सकता है, साथ ही उसे मनचाही जगह पर मूव भी किया जा सकता है। टेक्स्ट, स्टिकर्स और कैप्शंस जैसे एलिमेंट्स विजुअल को दिलचस्प बना देते हैं। ये कंटेंट को ज्यादा दर्शकों तक पहुंचाने में भी मददगार साबित हो सकते हैं। यहाँ टेक्स्ट जोड़ने के साथ साथ फॉन्ट और एनिमेशन को कस्टमाइज भी किया जा सकता है। टेक्स्ट इफेक्ट्स में आपको पहले से डिजाइन किए हुए कई एनिमेटेड फॉन्ट्स मिल जाते हैं। स्टिकर्स में आपको आइकॉन्स, GIFs और इमोजी मिल सकते हैं। अगर कैप्शंस जोड़ने हों तो कैप्शंस आइकॉन पर टैप करें। अब ऑडियो सोर्स और भाषा चुनें। इसके बाद जनरेट करें पर टैप करें। इससे कैप्शन ट्रैक टाइमलाइन में अपने आप जुड़ जाएगा। यहां से फॉन्ट और एनिमेशन को कस्टमाइज भी किया जा सकता है। इसके लिए क्लिप पर टैप करके मनपसंद स्टाइल चुनें। जब सारी एडिटिंग करने के बाद प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाए तब 3-डॉट मेन्यू पर जाएं। इसके बाद एक्सपोर्ट करें पर टैप करें। अब अपनी पसंद की वीडियो क्वालिटी चुनें और फिर एक्सपोर्ट करें पर टैप करें। इससे वीडियो आपके डिवाइस में अपने आप डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको दो विकल्प दिखेंगे। आप वीडियो को सीधे YouTube पर अपलोड करें या शेयर करें। अगली बार YouTube क्रिएट एप्लीकेशन खोलने पर आपको हाल के अपने सभी प्रोजेक्ट्स दिखेंगे। आप जब चाहें इन्हें एडिट करें। किसी प्रोजेक्ट का नाम बदलने, उसे मिटाने या उसका डुप्लीकेट बनाने के लिए टाइटल के बगल में 3-डॉट मेन्यू पर टैप करें। प्लस साइन पर टैप करके नए प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। इस एप्लीकेशन के बारे में ज्यादा जानने और इसे डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।